इंतखाबात में मसावी मौके नहीं दिए जा रहे, कल अदम तंजीमों के इलेक्शन लड़ने से मुल्क की बदनामी होगी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हुआ, ऐसे लगता है कि वो एक कागजी मंसूबा था। इमरान खान ने केपी में दहशतगर्दी खत्म नहीं की। बिलावल भुट्टो की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, सिराज रईसानी के अहले खाना से इजहार ताजियत, जख्मियों की आयादत भी की। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज, नवाज शरीफ। एवन फील्ड रेफरेंस फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज, नवाज शरीफ, मरियम और सफदर की सजा के खिलाफ अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहसिन अफ़ाक़ियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। अल अज़ीज़ी और फ्लैगशिप रेफरेंसेस दूसरी अदालत मुंतकिल करने के लिए भी दरख्वास्त आए। नवाज शरीफ तीन मरतबा वजीर आजम रहे, जेल में इस्तेहकाक के मुताबिक सहूलियात फराहम की जाएं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का निगरान वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को खत, तिब्बी मुआयने और अद्वियात फराहमी यकीनी बनाने का भी मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान की सियासत 25 जुलाई को दफन हो जाएगी। इमरान खान ने जो शेरवानी सिलवाई है वो चौथी मरतबा किसी और तरीके से पहन ले। नवाज शरीफ 25 जुलाई को सुरखरू होंगे। मरियम औरंगजेब की जेर क्यादत मुस्लिम लीग नून के कारकुन अडियाला जेल के बाहर जमा। मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफदर वापस क्यों आए, 24 न्यूज ने पता लगा लिया। जुनेद सफदर कमरुल इस्लाम के बेटे की इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे, माँ और नाना से मुलाकात का भी इम्कान। मुल्कभर में सियासी मौसम गर्म, नून लीग का सवात में जलसा, आबिलावल भुट्टो अटक में जियालों का लहू गरमाएंगे। कप्तान ने होम ग्राउंड मियांवाली में मैदान लगा लिया, कहते हैं आवाम 1000 रुपए के मजीद मकरूज हो गए। फारूक सत्तार की कॉर्नर मीटिंग के दौरान बदनज़मी, पार्टी क़यादत के खिलाफ ख़वातीन का एहतजाज, कामरान तिसोरी मनाते रहे। रुपए की कदर में तारीखी कमी, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 127 रुपए 99 पैसे पर बंद। रुपए की कदर में एक दिन में 5.5% कमी रिकॉर्ड की गई। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 605 पॉइंट गिर गया। डॉलर महंगा होने से कर्जों का बोझ 600 अरब बढ़ गया। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं मियां साहब कशकोल तोड़ने निकले थे, मईशत भी तोड़ दी, महंगाई का नया तूफान आएगा, माहिरीन की राय। आर्मी चीफ से ईरानी फौज के सरबराह की मुलाकात, फौजी तामुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जनरल कमर बाजवा कहते हैं पाक ईरान तालुकात इलाकाई अमन पर मुस्बत असरात मुरतब करेंगे। ईरानी आर्मी चीफ की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। सानेह मसूम की तहकीकात के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम कोयटा पहुंच गई, बमबार के डीएनए के नमूने भी हवाले किए जाएंगे। अबरान में सर्च ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। एनपी दहशतगर्दों के निशाने पर, कल अब्दुल्ला में एनपी उम्मीदवार जुमरे कचसई के मेहमान खाने पर फायरिंग, पार्टी के मरकजी नायब सदर दाऊद अचक सई जख्मी। दहशतगर्दी के वाकयात में सबसे ज्यादा एएनपी को निशाना बनाया गया, बहुत से लोगों को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। इंतखाबी नताइज से मुतालिक कुछ कहना कबल इस वक्त है, एएनपी रहनुमा गुलाम अहमद बलोर की मीडिया से गुफ्तगू। पावर डेवलपमेंट कंपनी में गैर कानूनी तकर्रियों का मामला, शहबाज शरीफ नैब लाहौर में पेश न हुए, नैब ने साबिक वजीर आला को आज बुलाया था।
नकीब महसूद कत्ल केस में अहम मोड़, मकतूल नकीब के वालिद ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 के जज पर अदम एतमाद कर दिया, मुकदमा किसी और अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त आए। कराची में झूला गिरने का वाकया, झूले का मेन बोल्ट टूट गया, गरारियां स्लिप हो गई। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, झूला गिरने की फुटेज ट्वेंटी फोर न्यूज ने हासिल कर ली। एक बच्ची जहां बहाक, 16 अफराद जख्मी हुए। मुटियारी में खौफनाक हादसा, 20 अफराद जहां बहक, मुतादिद जख्मी। बदकिस्मत मुसाफिर शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे, कोच ट्रॉलर से टकरा के खाई में जा गिरी। नौमान, बिजली, पानी, रोजगार, सेहत, जरात, सड़क या कुछ और, आपकी नजर में मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? आप वोट तो देंगे मगर किस मसले के हल के लिए? 24 न्यूज को 10 सेकंड की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप करें। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी, कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के नाम पर फायरिंग से नौजवान शहीद, इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात गैर रस्मी होगी, ज्यादा तवक्कुआत है ना हम फैसलों का इम्कान, ट्रंप ने यूरोप को तजारती दुश्मन करार दे दिया। दूसरा वनडे लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जराबे पहनो, क्योंकि नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जराबे सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ माशाल्लाह, तेरी जुए तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारे ही लगते हैं, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ये दी अम्मी ने 300 रोटियां दे अगे रखी, कहंदी मैनू डंगर समझे उतलियां पांच चोक। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वज़ीरे आज़म हूँ। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओ नवाज शरीफ, हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा प्राण। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन सलाम पाकिस्तान। 24 न्यूज के साथ मैं हूं ज़िशान बशीर। मैं हूं महविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान कागजी मंसूबा लगता है। कहते हैं अवाम दहशत गर्दों को वोट की ताकत से शिकस्त देंगे, बलोचिस्तान के मसले को कौमी सतह पर हल करने की जरूरत है। दौरा क्वेटा में उनका मजीद क्या कहना था, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन और दहशतगर्दी से मुतालिक खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई थी, लेकिन सानहा मस्तूंग ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार किया। ऐसे
कलदम तंजीम को इलेक्शन लड़ने की जो इजाज़त दिए हैं वो भी दैट दिस एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंदी ग्रुप्स को कलदम तंजीमों को इलेक्शंस में स्पेस देने pollutes the political process, it undermines parliament, it undermines democracy and undermines the position of our country. Pakistan People's Party is opposed to this. Chairman People's Party ne Noon League aur Tehreek-e-Insaf se nazariyati ikhtilaf ki wazahat ki. Saath mein ye indiya bhi diya ke hukumat saazi mein ittehad us jamaat ke saath hoga jo unke manshoor par amal daramad karegi. Pakistan People's Party ka koshish ye hoga ke agar hame कोलिशन का हिस्सा बनना है तो फिर कौन सी पार्टियां हमारा मैनिफेस्टो की इम्प्लीमेंटेशन में हमें मदद कर सकती है और आप जानते हो कि पीपल्स पार्टी का प्रायोरिटीज होते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुतालिक बिलावल भुट्टो का फरमाना था कि खान साहब हर दिन नई बात कहते हैं इसलिए उनके यू टर्न्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता। इससे पहले बिलावल भुट्टो सरावान हाउस पहुंचे जहां उन्होंने मस्तूम धमाके में सिराज रईसानी के अहले खाना से ताजियत की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। और ए एन पी के रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर का कहना है कि दहशत गर्दी में सबसे ज्यादा ए एन पी को निशाना बनाया गया। वाकई से 6 मिनट कबल मुझे वहां पहुंचना था, अगर मैं भी प्रोग्राम में पहुंचता तो निशाना बन जाता। बहुत से लोगों को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। वो पिशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पता चल जाएगा कि क्या, लेकिन ये मैंने नहीं कहा, किसी का हाथ नजर आता है क्योंकि हारून की जिंदगी जो थी अब जिसने जिसको नुकसान पहुंचा वही होगा ना, जिसको नुकसान पहुंचा है उनके जिंदा रहने से कुछ एक ही होगा। तो कुछ शक था, शक है हमारा, वो जिसे कहें छठी वो शक है। बाकी आगे हालात देखिए, ये नहीं कह रहे कुछ बेगुनाह को तकलीफ हो, खुदा ना करें, लेकिन जो गुनाहगार है अल्लाह करे कि उसको उसका जरूर पता चले। और कुछ हमारे दिन में है कि फलाम फलाए सब होता है तो इंसान सियासी वर्कर जो है वापस हो सकता है, वो हर बात सियासी तरीके से उसको मैनेज करता है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के खदशात दुरुस्त साबित हुए, निगरान हुकूमत पर अमन इलेक्शन के लिए दहशत गर्दी की रोकथाम करे। चौधरी शुजात हुसैन का यह कहना है कि निगरान हुकूमत को पर अमन इलेक्शन की दहशतगर्दी के लिए रोकथाम करना होंगे। जो खदशात थे इलेक्शन के हवाले से वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं और इस सिलसिले में चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि वो फौरी तौर पर जरूरी इकदाम उठाए। और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी पेशावर रीजन ने कार्रवाई की है जिसमें दहशतगर्दी के मुकदमात में मतलूब अहम मुलजिमान मोहम्मद तारिक और गुलाम दस्तगीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ आफताब मोहम्मद मौजूद हैं। आफताब, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से, क्या मालूमात मिल सकी? जी, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने कार्रवाई की है, दहशतगर्दी के मुकदमात में मतलूब अहम मुलजिमान मोहम्मद तारिक और गुलाम दस्तगीर को गिरफ्तार किया गया। और इसी हवाले से महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का कहना है कि दोनों मुलजमान का तल्लुक दिल के कुर्दिस्तान से है। मुलजमान ने 22 फरवरी 2012 को कोराकोरम हाईवे पर जो हादसा हुआ था, वहां पर गाड़ियां जाती थी और चार गाड़ियों को उन्होंने रोका जिसमें उन्होंने मुसाफिरों को उतार कर शहीद किया था और इस तरह 16 मुसाफिर उस वक्त कत्ल किए गए थे जिसका ताल्लुक एक मखसूस बरादरी से था। इस तरह गाड़ियां चीटिंग के नाम पर रोकी गई थी और इस केस में पहले भी महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की जानब से 5 मुलजमान को गिरफ्तार किए गए हैं जो बाकायदा तौर पर अदालत से चालान भी किए गए हैं। और ठीक है, आपका मोहम्मद बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और भी खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जराबे पहन लो, क्योंकि नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जराबे सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार, ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विश जाता है। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुए तो कहती होगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारे ही लगते हैं, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। अम्मी ने 300 रोटियां अगे रखी, कहती मैनू डंगर समझे उतलियां पांचों।
देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी जुम्मा हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आजम हूँ। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओ नवाज शरीफ, हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएच। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश डर लगता है। आजा दो कौन आजा फ्रेंड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अफवाह की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ, पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں۔ اسرافیل اور یہ تیرا غلام، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت دے دے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے، اللہ چاہے تو قبول کر لے، اس کا احسان ہے، وہ رد کر دے مردود کر دے، وہ بے نیاز ہے۔ یہاں بت پڑے ہوئے ہیں، یہاں خیر پڑے ہوئے ہیں، یہاں مخلوق آ گئی ہے، اسے فرش کے نکال۔ اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں: ایمان، عمل صالح، تبلیغ کا کام، صبر۔ سر بازار نیلام مخلوق کی آہ سننے والا کوئی نہیں میرے آقا۔ دیکھیے پروگرام حیال الفلاح روزانہ صبح 7:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہن لو، کہ نو نیور، کبھی بھی نہیں۔ لڑکے بےچارے اچھے ہوتے ہیں، جرابے سونگ کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں یار۔ ایسا بندہ مرتا نہیں ہے، سڑک پہ چلتا چلتا ہی وش جاتا ہے۔ میں نے سنا آپ کے 6 بچے ہیں۔ ہاں، ماشاءاللہ، تیری جوئیں تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں۔ انڈیا میں کون سا ہیروئن آپ کو زہر لگتا ہے؟ ساری، میرے کو بھی سارے لگتے ہیں، جب ہاتھ نہیں آنا تو زہر ہی ہے۔ میری امی نے 300 روٹیاں دے اگے رکھی، کہندی مینوں ڈنگر سمجھے اتلیاں پان چوک۔ دیکھیے پروگرام افرا زفری جمعہ ہفتہ اور اتوار کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ مت بولو، میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں۔ بیٹے چپ ہو جاؤ، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پاپا،
جی جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے. او نواز شریف ہمارے سونیا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزادی ایسٹ. شہباز میں جب بھی دوربین سے دیکھتا ہوں مجھے سازش نظر آتی ہے. آزاد دو کون آزاد فراڈ. ہم جیت گئے ہیں, اب ہم وزیر اعظم بنیں گے. دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی رات 11:03 پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر. کراچی کے تفریحی پارک میں جھولا گرنے سے جاں بحق ہونے والی کشف کو سپرد خاک کر دیا گیا. ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق جھولا بول ٹوٹنے کے باعث گرا. والد نے حکام سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے. ہنستا کھیلتا گھر اجڑ گیا. تفریح کے لیے جانے والی کشف ہمیشہ کی نیند سو گئی. پرانی سبزی منڈی کراچی پر قائم تفریحی پارک میں گزشتہ رات جھولا گرنے سے جاں بحق ہونے والی 14 سالہ کشف کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. ملنے پر والد بھی تھائی لینڈ سے واپس آ گئے. عبدالصمد نے حکام سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا. جو ایکشن لے سکتی ہے گورنمنٹ لے لے یا آرمی لے یا چیف جسٹس صاحب لے جو بھی لے تاکہ آنے والے جو بچے ہیں ان کا فیوچر اچھا ہو سکے. اللہ نہ کرے چلو میری بچی چلی گئی اور بیچارے جو بیچارے انجرڈ ہو گئے جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ان کی تو زندگیاں تباہ ہو گئی. پولیس کی تفتیشی ٹیم نے پارک پہنچ کر گرنے والے جھولے اور اطراف کا تفصیلی جائزہ لیا. واقعے کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جھولے کا بول ٹوٹنے کے باعث گراریاں سلپ ہوئیں جس سے جھولا گرا. اور ادھر مٹیاری میں المناک ٹریفک حادثہ 20 جانیں لے گیا. ٹرالا نیشنل ہائی وے پر باراتیوں سے بھری کوسٹر سے ٹرالر ٹکرا گیا. حادثے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے مٹیاری میں جہاں پر ایک ٹریفک حادثہ 20 جانیں لے گیا. ہنسی خوشی جاتے باراتیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی. یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ حادثہ پیش آئے گا. مٹیاری میں باراتیوں سے بھری کوسٹر سے تیز رفتار ٹرالر ٹکرا گیا. جاں بحق ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ باگوشیر کے مقام پر باراتیوں کی کوسٹر کا ٹائر پھٹ گیا. ڈرائیور کوسٹر کو سڑک کی سائٹ پر لگا کر ٹائر بدل رہا تھا کہ تیز رفتار ٹرالر کوسٹر سے ٹکرا گیا. ٹکر لگتے ہی کوسٹر کھائی میں جا گری اور ٹرالر اوپر سے گزر گیا. پولیس اور مقامی لوگوں نے لاشوں اور زخمیوں کو حالہ بھٹ شاہ اور حیدرآباد اسپتال منتقل کیا. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹرالر کے اکثر ڈرائیور نشہ کر کے ڈرائیونگ کرتے ہیں. نواز شریف اور مریم نواز عوام کی محبت میں واپس آئے ہیں. نون لیگ کی رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام کو سب سے بڑا خطرہ عمران خان سے ہے. آپ کو بتائیں کہ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز عوام کی محبت میں واپس آئے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام کو سب سے بڑا خطرہ عمران خان سے ہے. جولائی کو انشاءاللہ جب شیر پہ موریں لگیں گی تو عمران صاحب آپ کی جو رئی خالی کھولی سیاست ہے, جو آپ کی انتشار کی سیاست ہے, اس کو بھی گالی کی سیاست کو بھی پاکستان کی عوام نے مسترد کیا اور وہ بھی دفن ہو جائے گی انشاءاللہ کے لیے. اور انشاءاللہ 25 جولائی انشاءاللہ ایون فیلڈ ریفرنس کے فیصلے پر نواز شریف مریم نواز اور ریٹائرڈ کیپٹن صفدر کی سزا کے خلاف اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں. اپیلوں میں سزا کا لدم قرار دے کر بری کرنے کی استدعا کی گئی ہے. ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. اپیلوں میں جج احتساب عدالت اور نیب کو فریق بنایا گیا ہے. موقف اختیار کیا گیا ہے کہ قید جرمانے نااہلی
और जायदाद कुर्की का हुक्म कलदम करार दिया जाए। फैसला होने तक नवाज शरीफ, मरीम नवाज और सफदर को जमानत पर रिहा किया जाए। अपील में नवाज शरीफ की चार्जशीट को भी शामिल किया गया है। मतन के मुताबिक जिमनी और अबूरी रेफरेंस के इल्जामात में तजाद था। हसन और हुसैन नवाज को जिमनी रेफरेंस का नोटिस नहीं भेजा गया। मतन में ये भी है कि एहतसाब अदालत का फैसला शवाहिद पर मबनी नहीं, नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन A-59 भी साबित नहीं हो सकी। फ्लैट की असल कीमत जाने बगैर उन्हें आमदन से जायद असासा करार दिया गया। अपीलों के मुताबिक वाजिद ज़िया ने तस्लीम किया है कि बच्चों का नवाज शरीफ के जरिए किफालत होने का सबूत नहीं मिला। अदालत ने वाजिद ज़िया के इस बयान को मुकम्मल नजरअंदाज किया। इस तगासा ने भी तस्लीम किया है कि नवाज शरीफ के मालिक होने का कोई सबूत नहीं। नवाज शरीफ के खिलाफ दीगर दो रेफरेंसेज दूसरी अदालत में दायर करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जज एक रेफरेंस में फैसला दे चुके हैं, बाकी रेफरेंसेज दूसरी कोर्ट में मुंतकिल कर दिए जाएं। आर्मी चीफ सलन कमर जावेद बाजवा को अफगान सदर ने टेलीफोन किया है और दहशतगर्दी के वाकयात में इंसानी जानों के ज़ियां पर इजहार अफसोस किया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अफगान सदर ने टेलीफोन किया है और दहशतगर्दी के वाकयात में इंसानी जानों के ज़ियां पर इजहार अफसोस किया है। जानते हैं ताहिर राठौर से। ताहिर राठौर बताएगा मजीद क्या बात हुई। हेलो, अफगान सदर की सरहद पर मजीद सिक्योरिटी इकदाम की यकीन दहानी भी सामने आई है। ताहिर राठौर अगर आप सुन पा रहे हैं, ताहिर राठौर से भी राब्ता करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अफगान सदर का टेलीफोन आया है और मजीद सिक्योरिटी इकदाम करने की यकीन दहानी भी कराई गई है। डॉलर ने एक बार फिर ऊंची उड़ान भर ली है। ओपन मार्केट में डॉलर 128.25 रुपए का हो गया है। रुपए की कदर में मजीद 5.5% कमी हो गई है, जबकि डॉलर महंगा होते ही कर्जों का बोझ मजीद 8 खरब रुपए बढ़ गया है। इस रिपोर्ट में जानिए। इंटरबैंक मार्केट में ट्रेडिंग के आगाज पर ही डॉलर को पर लग गए। कारोबार के दौरान डॉलर 128.25 रुपए से महंगा फरोख्त हुआ। चंद घंटों की ट्रेडिंग के दौरान रुपए की कदर में 6.72 रुपए तक कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता माह भी रुपए की कदर में 5% कमी रिकॉर्ड की गई। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक निगरान हुकूमत आने वाली हुकूमत की आसानी के लिए एक एजेंडे के तहत ऐसे फैसले कर रही है। दो रोज कबल शरह सूद 1% बढ़ाने के बाद अब एक ही रोज में डॉलर 5% से ज्यादा महंगा कर दिया गया, जिसके बाद नई हुकूमत को फौरी तौर पर अवाम दुश्मन और मुश्किल फैसले किए बगैर IMF से नया कर्जा लेने के सिलसिले में मुजाकरात में आसानी होगी। निगरान हुकूमत के दौर में अब तक होने वाली बेकदरी के बायस मुल्क पर बैरूनी कर्जों में नया कर्ज लिए बगैर ही अब तक 8 खरब रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि ब्लड प्रेशर के अद्वियात खतरनाक होने लगी हैं, इस्तेमाल करने वाले कैंसर का शिकार होने लगे हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 9 कंपनियों की ब्लड प्रेशर के अद्वियात की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। तर्जमान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक 9 कंपनियों की ब्लड प्रेशर की अद्वियात की फरोख्त पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई। सर्टन गोली में कैंसर का बायस बनने वाले केमिकल्स मौजूद हैं, जिसके इस्तेमाल से मरीज कैंसर के मर्ज में मुब्तला होने लगे हैं। ड्रैप ने एमरांट और सैफ फार्मास्यूटिकल्स को भी अद्वियात मार्केट से फौरी तौर पर वापस मंगवाने की हिदायत कर दी है। माहिर फार्मासिस्ट हिना शौकत का कहना है कि डॉक्टर और मरीज मुतलका गोली का इस्तेमाल फौरी तौर पर तर्क कर दें। ड्रैप ने अफरोज फार्मास्यूटिकल्स, हाईक्यू फार्मा, फॉर्म इवो, समी फार्मास्यूटिकल्स, टाबरूस फार्मा, सिरल फार्मास्यूटिकल्स और जेनेटिक्स फार्मास्यूटिकल्स से दवा की सप्लाई पर पाबंदी आयद कर दी है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 24 न्यूज़। आप किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जराबे पहन लो, क्योंकि नो नेवर कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जराबे सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विश जाता है। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुए तो कहती होगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारे ही लगते हैं, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी
जुम्मा हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आजम हूँ। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओ नवाज शरीफ, नवाया सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएच। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश डर लगता है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अफवाह की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں۔ اسرافیل اور یہ تیرا غلام، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت دے دے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے۔ اللہ چاہے تو قبول کر لے، اس کا احسان ہے، وہ رد کر دے مردود کر دے، وہ بے نیاز ہے۔ یہاں بت پڑے ہوئے ہیں، یہاں خیر پڑے ہوئے ہیں، یہاں مخلوق آ گئی ہے، اسے فرج کے نکال۔ اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے 4 کام ضروری ہیں: ایمان، عمل صالح، تبلیغ کا کام، صبر۔ سر بازار نیلام مظلوم کی ہم سننے والا کوئی نہیں میرے آقا۔ دیکھیے پروگرام حیال الفلاح روزانہ صبح 7:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہنو، کہ نو نو نیور، کبھی بھی نہیں۔ لڑکے بےچارے اچھے ہوتے ہیں، جرابے سونگ کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں یار۔ ایسا بندہ مرتا نہیں ہے، سڑک پہ چلتا چلتا ہی وش جاتا ہے۔ میں نے سنا آپ کے 6 بچے ہیں۔ ہاں، ماشاء اللہ، تیری جوئیں تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں۔ انڈیا میں کون سا ہیروئن آپ کو زہر لگتا ہے؟ ساری، میرے کو بھی ساری لگتا ہے، جب ہاتھ نہیں آنا تو زہر ہی ہے۔ میری امی نے 300 روٹیاں دے اگے رکھی، کہندی مینوں ڈنگر سمجھے اتلیاں پانچو۔ دیکھیے پروگرام افرازفری جمعہ ہفتہ اور اتوار کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ مت بولو، میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں۔ بیٹے چپ ہو جاؤ، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پاپا،
جی جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے. اوہ نواز شریف ہمارے آئے سونیا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزادی اسد. شہباز میں جب بھی دوربین سے دیکھتا ہوں مجھے سازش نظر آتی ہے. آزا دو کون آزا فراڈ. ہم جیت گئے ہیں, اب ہم وزیر اعظم بنیں گے. دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی رات 11:03 پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے, لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا ایٹ میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ, جمعے سے اتوار رات 8:03 پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر. کھوج رگوں میں زہر اتارنے والوں کی, بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی. افواہ کی ہو واردات یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش, اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہاتھ. پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے باز. کیونکہ ہم کریں گے انکشاف. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وادی نیلم کے خوبصورت مقامات, اڑنکیل, شونر اور چٹا کٹھا جھیل کے خوبصورت نظارے, یہ دیو مالائی وادیاں سیاحوں کو خوش آمدید کہنے اور ان کی بھرپور مہمان نوازی کے لیے باہیں کھولے کھڑی ہیں. 24 نیوز کے نمائندے عرفان ملک یہاں پر موجود ہیں اور وہ بتائیں گے کہ وہاں کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں. وہ گرمی کے دنوں میں کچھ فرصت ملی تو ہم نے سوچا کہ الیکشن کی کوریج سے پہلے حسین وادیوں میں کچھ آوارگی کر لی جائے. فیصلہ ہوتے ہی ہم نے کشمیر کی دلنشین وادی اڑنکیل کا رخ کیا. اڑنکیل سے ہم شونٹر پہنچے اور حسین و جمیل جھیل چٹا کٹھا کے دیدار کو چل پڑے. 6 گھنٹے کی اعصاب شکن ٹریکنگ نے ہمیں جھیل تک تو پہنچا دیا, لیکن اس دوران موسمی سختیوں اور برف باری نے ہمارے حوصلے کو قدم قدم پر چیلنج کیا. جھیل کا نظارہ تھا کہ کسی خوابناک جنت کا ماحول. گہرے بادلوں میں گھری جھیل کے کنارے رگوں میں خون جمتا محسوس ہوا. میں چٹا کٹھا لیک تو پہنچ گیا ہوں, لیکن یہاں پر بڑی تیز برف باری ہو رہی ہے اور موسم ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر زیادہ دیر قیام کیا جا سکے. بس پھر کیا تھا, ہم نے 13,500 فٹ کی بلندی سے واپسی کا رخ کر لیا. اترائی کا سفر تو چڑھائی سے بھی زیادہ مشکل تھا, کئی گلیشیئرز کو بھی دوبارہ کراس کرنا تھا, لیکن ہم بہت خوش تھے کہ ہم نے دیومالائی جھیل چٹا کٹھا کا انتہائی منفرد نظارہ کر لیا تھا. اب یہاں بنائی گئی تصاویر اور ویڈیوز ہماری زندگی کا بہترین سرمایہ ہیں. عرفان ملک, 24 نیوز, چٹا کٹھا, وادی نیلم. فرانس 20 سال بعد دوبارہ فٹ بال کا عالمی چیمپئن بن گیا. کروشیا فائنل میں 2-4 میں 4 گول سے ہار گیا. فرانس نے کروشیا کے خلاف ناقابل شکست رہنے کا اعزاز بھی حاصل کر لیا. لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہنو, کہ نو نیور کبھی بھی نہیں. لڑکے بےچارے اچھے ہوتے ہیں, جرابے سونگ کے کہہ رہے ہوتے میری ہے ہی نہیں یار. ایسا بندہ مرتا نہیں ہے, سڑک پہ چلتا چلتا ہی وش جاتا ہے. میں نے سنا آپ کے 6 بچے ہیں. ہاں ماشاءاللہ, تیری جوئیں تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں. انڈیا میں کون سا ہیروئن آپ کو زہر لگتا ہے؟ ساری. میرے کو بھی سارے لگتے ہیں, جب ہاتھ نہیں آنا تو زہر ہی ہے.
ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ 300 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਸਮਝਿਆ ਉਤਲੀਆਂ ਪੰਜ ਚੋ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਰਾ ਜ਼ਫਰੀ ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ ਔਰ ਇਤਵਾਰ ਕੀ ਰਾਤ 10:03 ਪਰ ਸਿਰਫ 24 ਨਿਊਜ਼ HD ਪਰ ਮਤ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਅਗਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੂੰ ਬੇਟੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ रोने वाली क्या बात है पापा जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे ओ नवाज शरीफ आए सोनिया मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएच शहबाज मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है हम जीत गए हैं अब हम वजीर आजम बनेंगे देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं तकरार की तलखी में बात बनती नहीं बिगड़ती लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे लेकिन सबूत की रोशनी हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर खोज रगों में जहर उतारने वालों की बेगुनाहों का खून बहाने वालों की अफवाह की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ पहुंचेंगे हवालात अब सब होके बाद क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर تنزع الملک ممن تشاء جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت دے دے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا احسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں بت پڑے ہوئے ہیں یہاں خیر پڑے ہوئے ہیں یہاں مخلوق آ گئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صبر سر بازار نیلام سننے والا کوئی نہیں میرے آقا دیکھیے پروگرام حیال الفلاح روزانہ صبح 7:03 پر صرف 24 نیوز HD پر اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابیں پہن لو کہ نو نیور کبھی بھی شہریوں کے لیے پانچ بڑے پروجیکٹس نمائش کے لیے پیش کر دیے نمائش میں شہریوں کو محفوظ سرمایہ کاری کے آئیڈیاز اور معلومات بھی فراہم کی جا رہی ہیں اسی بارے میں بلال ورک رپورٹ کریں گے زمین ڈاٹ کام کی جانب سے اسلام آباد میں پراپرٹی سیلز ایونٹ کا انعقاد کیا گیا جڑوا شہروں کے رہائشیوں کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی جہاں پر بیشتر افراد نے بکنگ کروا کر زمین ڈاٹ کام کے خصوصی ڈسکاؤنٹ سے فائدہ بھی حاصل کیا اتنے اچھے پروجیکٹس ایک ہی جگہ پہ اویلیبل ہوں یہاں پہ میں آیا ہوں اور میں نے جو ہے وہ ابھی ایکسس مال میں ایک انویسٹمنٹ کا بھی چھوٹی انویسٹمنٹ کا بھی پلان تھا تو وہ بھی میں نے کی ہے ہائی لینڈ ریزورٹ ایکسس مال وردہ ہمنا ریزیڈینشیا 3 جیسے پروجیکٹس عوام کے لیے پیش کیے گئے نمائش میں صارفین کو محفوظ سرمایہ کاری کے حوالے سے رہنمائی اور معلومات بھی فراہم کی وہ پروجیکٹ اپنے کلائنٹس کو پریزنٹ کرے جو ان کو فیوچر بینیفٹس بھی دیں
तो इनमें जितने भी लोग यहाँ पे हमें माशाल्लाह दो दिन में बहुत अच्छे क्राउड्स, बहुत फैमिलीज की तरफ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। जमीन डॉट कॉम की इस नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद ने न सिर्फ शिरकत बल्कि मनसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया। कैमरामैन इमरान नसीम के साथ बिलाल विर 24 न्यूज इस्लामाबाद। और भी अहम खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जराबे पहनो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जराबे सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुए तो कहती होगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारी लगते हैं, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ये दी अम्मी ने 300 रोटियां दे अगे रखी, कहंदी मेनू डंगर समझे उतलियां पांचो। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी जुम्मा हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आजम हूँ। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रेंड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अफवाह की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ, पहुंचेंगे हवालात अब सब होके बाद। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। وتنزع الملك ممن تشاء جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں۔ اسرافیل اور یہ تیرا غلام، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت دے دے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے، اللہ چاہے تو قبول کر لے، اس کا احسان ہے، وہ رد کر دے مردود کر دے، وہ بے نیاز ہے۔ یہاں بت پڑے ہوئے ہیں، یہاں خیر پڑے ہوئے ہیں، یہاں مخلوق آ گئی ہے، اسے فرج کے نکال۔ اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے 4 کام ضروری ہیں: ایمان، عمل صالح، تبلیغ کا کام، صبر۔ سر بازار نیلام ہم سننے والا کوئی نہیں میرے آقا۔ دیکھیے پروگرام حیال الفلاح روزانہ صبح 7:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔
अगर आप किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जराबे पहनो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जराबे सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुए तो कहती होगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारी लगते हैं, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। इहदी अम्मी ने 300 रोटियां दे अगे रखी, कहंदी मैनू डंगर समझे उतलियां पांचो। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी जुम्मा हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आजम हूँ। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रेंड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। राजफा भुट्टो जरदारी ने कराची में भी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। लियारी में चाकीवाड़ा 8 चौक घास मंडी और दीगर इलाकों के दौरे किए। आसिफा भुट्टो ने बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के पंपलेट तकसीम किए। आसिफा भुट्टो खवातीन में घुल मिल गए। अभी आपको बराह रास अटक लिए चलते हैं जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अटक पहुंचे हैं और इस वक्त वो वहां पर खिताब कर रहे हैं। दीगर शहरों से होते हुए इस वक्त वो अटक में मौजूद हैं, जिसके बाद वो रावलपिंडी आएंगे। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में सिंध, पंजाब और KP में मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने खिताब किया। इस वक्त पिंडी घेप में मौजूद हैं और वहाँ पर खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों के दौरों पर निकले और जियालों से उन्होंने मुलाकात भी की। इस वक्त पिंडी घेप में वो खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर अमल करेगी और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे और मुल्क में खुशहाली लेकर आएंगे। जी बिलावल भुट्टो, जो हाजी मोहम्मद अख्तर है, वो मेरे साथ वफादारी निभा रहे हैं, पार्टी का झंडा थाम रहे हैं, पार्टी के लिए काम। मैं समझता हूँ कि आप इनको वोट दें, आप इनको मुंतखब करवाएं ताकि हम अवामी उम्मीदवारों को नेशनल असेंबली भेज सकते हैं। पंजाब की सियासत इस वक्त दो राइटिस्ट जमातों के हाथों में है। एक उन्होंने वालों जिनका आपको पता है, मुझे पता है इनको तो किरदार क्या है, मगर जो ऑल्टरनेटिव भी पेश आ रहा है आज कल, ये यूटर्न खान का पार्टी, वो भी उनका सियासत एक है, उनका मईशत एक है, उनका पॉलिसी एक है। सिर्फ और सिर्फ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जमात आपकी खिदमत कर सकता है। और मैं, ये मेरा पहला इलेक्शन है,
मैं बार बार आता रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, मैं पंजाब की हर गली हर गांव में जाता रहूंगा, जब तक मैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मैसेज को आजकल के नौजवानों को समझा के बता के उपरा मुस्लिम पे हमने बदलना। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त खिताब कर रहे थे जो कि बराह रास्त आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि रुपए की बेकदरी ने सोने की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। रुपए की बेकदरी ने सोने की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। सोने की आलमी मार्केट में सोने की कीमत तो ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान में फी तोला कीमत 850 रुपए बढ़ गई है। और भी खबरें हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी के घर में आता है 24 घंटे रनिंग मोटर। तो इस लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जराबे पहनो, क्योंकि नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जराबे सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुए तो कहती होगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारे लगते हैं, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। इहदी अम्मी ने 300 रोटियां दे अगे रखी, कहंदी मैनू डंगर समझे उतलियां पांचो। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी जुम्मा हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़। हमदर्दी का इजहार करना महंगा पड़ गया। मार्टिन क्वार्टर की रिहायशी खातून ने फारूक सतार पर इजहार बरहमी किया। इसी बारे में मजीद जानते हैं, हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या मामला था ये, किस बात पे इजहार बरहमी हुआ? ये देखिए, आज हमने देखा कि डॉक्टर फारूक सतार जो है उन्होंने मार्टिन क्वार्टर का जो है वो दौरा किया। मार्टिन को सरकारी घर है, उनको सुप्रीम कोर्ट की जाने से ऑर्डर दिया गया है कि उनको तो चंद दिनों के अंदर जो है वो खाली करना है। आज फारूक सत्तार जो है वहाँ के इलाका वकीलों से इजहार हमदर्दी करने के लिए पहुंचे, तो उन्हें इजहार हमदर्दी महंगी पड़ गई। तो वहाँ ठीक है, हसन बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आराम से भाजी, ये और ये अरे 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 भाजी 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 अरे भाजी 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 रोके ना, तुम उतरो ना भाजी को, रोको यहाँ पर खड़े होकर रोको। आगे बढ़ते हैं क्रिकेट के मैदान से अहम खबर। शाहीनों ने दूसरे मार्के में भी जिम्बाब्वे की टीम को जकड़ लिया, ग्रीन शर्ट्स की दूसरे बंदे में भी फतह। आपको बताएं कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिम्बाब्वे को सिर्फ 194 रन पर ढेर कर दिया। उस्मान खान के 4 हसन। किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जराबे पहनो, क्योंकि नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जराबे सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुए तो कहती होगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारे ही लगते हैं, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। अगले साल रुखसती होगी, थिएटर छोड़ दिया, सिर्फ फिल्म और टीवी ड्रामा करूंगी। अदाकारा सोबिया खान ने क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर से निकाह पढ़वा लिया है। उनका ये कहना है कि वो थिएटर छोड़ चुकी हैं, जबकि रुखसती अगले साल होगी।